शास्त्रों में अनुशासन, शासन का जो कानून है, जो शासन का कानून चलता है उसका अनुपालन करना अनुशासन है, ना कि हमारा प्रशासनिक अधिकारी के मुंह से बोला हुआ शब्द अनुशासन है। साहब की मैडम के कपड़े ना धोए तो अनुशासन भंग होता है। अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए छुट्टी मांगे, छुट्टी ना दे, हम सलूक ना मारे तो ये अनुशासन है। अनुशासन का मैं समाधान करता हूं, लेकिन ये जो आज का आधुनिक अनुशासन है इसके खिलाफ मैं अहिंसक हूं। और जो मेरे साथी जवान अपने हक के लिए, चौ साहब को कह रहा हूं मैं, आपको भी कह रहा हूं, अपने हक के लिए जो हिंसा भी करते हैं वो भी अहिंसा ही है। हक मांगने वाला अगर हक ना मांगे तो वो पापी नहीं, वो महापापी है। हक ना दे वो सिर्फ पापी है। हम सिपाही हैं, हम भिखारी नहीं। आर्टिकल 311(2)(c) से 1967 में हमें डिसमिस किया, वही अनुशासन, वही एक्ट, एक एक दिन में 24 जवान हमारे अपने ड्यूटी पर शूट कर दिए जाते हैं। रोजाना एक ना एक जवान कहीं ना कहीं शहीद होता है। किसकी जिम्मेवारी है? भारत सरकार की जिम्मेवारी है, सुरक्षा मंत्री की जिम्मेवारी है, गृह मंत्री की जिम्मेवारी है। क्या ये आर्टिकल 311(2)(c) केवल कर्मचारियों के लिए है? हमने माननीय राष्ट्रपति को इसका एक अल्टीमेटम दिया। ये हरियाणा, हरियाणा जो शब्द है, हरियाणा, हरियाणा का 10% हम खेती करते हैं भागीदारियों की। हम आतंकवादियों की नहीं करता हरियाणा। मैं हरियाणा के लिए नहीं कह रहा, सभी जितने भी हमारे साथी हैं, पूरे देश के साथी हैं, जो फोर्स में है वो सुरक्षा की कुर्बानी की खेती करता है, कुर्बानी के लिए जिंदा रहता है, मारने के लिए जिंदा रहता है। उसके लिए हमने 24 मई को राष्ट्रपति को दिया एक ये आर्टिकल 311(2)(c) में। क्यों नहीं होम मिनिस्टर को गिरफ्तार करते? क्यों नहीं उसको अरेस्ट करते? क्यों नहीं उसको डिसमिस करते? एक सिपाही के लिए कानून, एक होम मिनिस्टर के लिए कानून नहीं है? वो सुरक्षा का अधिकार, एक सिपाही के बीच में चोरी हो जाए उसको सस्पेंड कर देते हैं, एक होम मिनिस्टर के दार में 24 जवान शूट कर दिए जाते हैं तो उसको क्यों नहीं डिसमिस करते? 2004 से हमारे सरकारी कर्मचारियों को पेंशन बंद कर दिए, एक एमपी रहे, एक एमएलए 3 महीने के लिए एमपी बन जाए, जीवन भर पूरी पेंशन देता है, ये कानून क्या है? हमारे देश में कानून, शासन का कानून नहीं, शासन का अनुशासन नहीं, यहाँ कानून का शासन और कानून का अनुशासन यहाँ उल्टा है। इसके लिए संगठन हो जाओ मेरे भाई, डिसिप्लिन में, अनुशासन में रहो, लेकिन अनुशासन तो हो ना, अनुशासन, शासन के कहने का अनुशासन नहीं। मैं बस इतना बोलूंगा, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन में रवानी है जो पर्वत होकर बहता है, वह खून नहीं है पानी है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सरकार की जितनी गलती नहीं उसमें हमारी गलती है। हम निर्भय होकर के काम करें, देश की सेवा करें, सुरक्षा करें, सेवा करें। जय हिंद।